नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमेशा ही ज्योतिष की नई नई जानकारी हम आप लोगों के लिए प्रस्तुत करते रहते हैं। नवग्रहों से संबंधित भी काफ़ी रोचक, कारगर, लाभदायक जानकारी हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए नवग्रहों में आज के दौर में विशेष तौर पर मुख्य ग्रह, प्रमुख ग्रह का दर्जा रखने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं कि जन्म कुंडली को छोड़ दीजिए, अन्य माध्यमों को छोड़ दीजिए, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके शुक्र ग्रह मजबूत हैं, कमजोर हैं, शुभ है या अशुभ है, कैसे और क्यों, क्यों के बारे में बात करते हैं, कैसे के बारे में बताएंगे। आज कलयुग में शुक्र ग्रह को बहुत ज़्यादा, यानी कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका या किसी भी माध्यम से शुक्र ग्रह मजबूत है तो उसका संपूर्ण जीवन बहुत अच्छे तरीके से निकलता है। यदि सारे ग्रह मजबूत हैं लेकिन शुक्र ग्रह में कमी है, सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं दुख के साथ भी गुजरता है, तो शुक्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। जिन लक्षणों से, अनुभवों से अपने और बीतने वाले स्वयं के लक्षणों से आप पता लगा सकते हैं कि आपके शुक्र ग्रह कैसे हैं। शुक्र ग्रह को सांसारिक सुख भोग का कारक माना गया है, सौंदर्य का, साथ में प्रेम का, प्रेम विवाह का कारक माना गया है। इसके अलावा अकूट लक्ष्मी का कारक भी शुक्र ग्रह को माना गया है। यदि जातक सौंदर्य से युक्त है, दिखने में सुंदर है, आकर्षक युक्त है, किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देता है, तो व्यक्ति का शुक्र ग्रह काफ़ी अच्छा है, मजबूत है। इसके अलावा व्यक्ति सांसारिक सुख भोग कर रहा है, जो चीज़ चाहता है वो चीज़ उसे उपलब्ध होती है, यानी कि हर प्रकार के भोग, जैसे हम कोई चीज़ की तमन्ना करते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, चीज़ें हमें, कई चीज़ें नहीं मिल पाती है, और किसी व्यक्ति के साथ व्यक्ति सोचता है और चीज़ें उसे बचपन से ही प्राप्त होते रहती है, यानी कि सांसारिक सुख भोग व्यक्ति व्यक्ति ले रहा है तो उसका शुक्र ग्रह काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा प्रेम, अपने घर परिवार बाहर हर जगह से व्यक्ति को प्रेम मिलता है, व्यक्ति को स्नेह प्राप्त होता है, तो समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह काफ़ी अच्छा है। यदि व्यक्ति का प्रेम विवाह आदि हुआ है या व्यक्ति का प्रेम अफेयर काफ़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में इस ओर व्यक्ति की रुचि रहती है, तो समझ लीजिए कि व्यक्ति का शुक्र ग्रह काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा व्यक्ति को बचपन से अकूट संपत्ति का व्यक्ति मालिक बना हुआ है तो समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह व्यक्ति का काफ़ी अच्छा है, यानी कि जीवन में शुभ फल ही प्रदान करेंगे और जो जो उनके बस में होगा वो जातक को प्रदान करेंगे। अब इसके विपरीत, यदि व्यक्ति सौंदर्य से युक्त नहीं है, दिखने में कुरूप है, इसके अलावा कोई भी चीज़ उसके जीवन में उसे नहीं मिल पा रही है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी व्यक्ति को तरसना पड़ रहा है, इसके अलावा अगल बगल अपने चारों ओर व्यक्ति को प्रेम का अभाव लगता है और व्यक्ति जिसे चाहता है वही व्यक्ति से नफरत करता है और धन के लिए व्यक्ति को हमेशा ही तरसना पड़ता है और हमेशा ही सोच रहती है व्यक्ति को कि धन, इन चीज़ों की आपूर्ति कहाँ से होगी, तो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि शुक्र ग्रह हमारे कमज़ोर है, वीक है। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य से भी हम देखें तो शुक्र ग्रह को पेशाब संबंधी रोगों का कारक माना गया है। यदि व्यक्ति को ऐसी समस्याएँ हैं तो शुक्र ग्रह कमज़ोर है। इसके अलावा मन में अत्यधिक चंचलता का कारक माना गया है और भोग विलासिता में धन खर्च करने वाला माना गया है। यदि व्यक्ति अरुचि है, व्यक्ति की अच्छी चीज़ों में पढ़ाई लिखाई जिनसे व्यक्ति की आगे को वृद्धि होती है वहाँ अरुचि है और तो समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह कमज़ोर है। यदि वहाँ पे रुचि है जिनसे व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है तो शुक्र ग्रह मजबूत है। तो यहाँ पर को यदि शुक्र ग्रह कमज़ोर होंगे तो मन में चंचलता रहेगी, अच्छी चीज़ों के प्रति अरुचि रहेगी और व्यक्ति का ध्यान भोग विलासिता गलत जगहों पे जाएगा और वहाँ पर को धन का मिथ्या अव्यय रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, स्वप्न में भी यदि व्यक्ति को खराब स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, स्वप्न में व्यक्ति की नींद आदि खुल रही है तो समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह कमज़ोर है। स्वप्न दोष से संबंधित समस्या है तो शुक्र ग्रह कमज़ोर है। और भी शुक्र ग्रह से संबंधित बहुत सी ऐसे लक्षण हैं जिनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि शुक्र ग्रह हमारे कैसे हैं।
और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर को अंत में बता देता हूँ, जो आपको बचपन से ही आगाह कर देगा कि आपके शुक्र ग्रह कैसे हैं। यदि जातक के व्यक्ति के अंगूठे में कोई प्रॉब्लम है, अंगूठे से संबंधित कोई समस्या है, कोई निशान आदि है, कट चुका है, कोई खंडित है, कोई वहाँ पर कोई दोष है या दर्द रहता है हाथ के या पाँव के, तो शुक्र ग्रह कमजोर है, बिल्कुल मान लेना चाहिए और शुक्र ग्रह से संबंधित उपाय आदि कर लेने चाहिए। तो शुक्र ग्रह से संबंधित उपायों में बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए गए हैं, हम भी पूर्व में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के एपिसोड आप लोगों के लिए लाए हुए हैं, ऐसे उपाय जो तुरंत ही फल देते हैं। तो यहाँ पर को आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय को यदि आप नियमित करते हैं तो शुक्र ग्रह की वैभव कृपा आपको मिलेगी, हर चीज मिलने लगेगा, मन की कामना पूर्ण होने लगेगी। नवग्रहों में यदि हम देखें मन की कामना को पूर्ण करने वाले ग्रह शुक्र ग्रह ही है कलयुग में, जो तुरंत ही व्यक्ति को देने की क्षमता रखते हैं। तो बताया गया है कि शुक्रवार को सफ़ेद गाय का दूध आप शिव जी को चढ़ाएं, शिवलिंग पे चढ़ाएं, वहाँ पर थोड़ा शिव स्तुति आप कर लें। नियमित 16 शुक्रवार यदि कोई व्यक्ति सफ़ेद गाय का दूध शिवलिंग पे चढ़ाता है तो उसे अवश्य ही शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि शुक्र के आराध्य देव भगवान भोलेनाथ है। तो सफ़ेद गाय का दूध शुक्रवार को शिवजी को चढ़ाने के लिए बताया गया है। इसके अलावा वृद्ध ब्राह्मणों की सेवा का भी बड़ा चमत्कारिक प्रतिफल है, और यदि कोई अंधा व्यक्ति है, अंधा ब्राह्मण मिल जाता है तो उसकी सेवा तो व्यक्ति को चमत्कारिक प्रतिफल प्रदायी रहेगी, ऐसा भी बताया गया है। और भी ढेर सारे कई उपाय हैं पूर्व में हम लेके आए हैं, उन उपायों में काफ़ी शक्तिशाली हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हैं, लाखों लोगों ने देखे हुए हैं, सिद्ध उपाय हैं, उनको भी आप आजमा सकते हैं यदि सफ़ेद गाय आदि आप लोगों को उपलब्ध नहीं होती है। और भी छोटे छोटे बहुत ढेर सारे उपाय हैं, किंतु जो कारगर होता है, तुरंत फलदायी होता है, मजबूत होता है, तो वही उपाय हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। इसके अलावा गुरुकुल आदि में जैसे गुरुग्रह के लिए बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनको कापी पेन किताब आदि का दान करना चाहिए। शुक्र को भी दैत्य गुरु माना गया है, और आज के दौर में शुक्र भी गुरु ही है, देव गुरु की तरह ही माना गया है। तो शुक्र ग्रह के लिए भी आप विद्यालय आदि या कहीं नज़दीक में बच्चों को, जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं या नहीं भी हैं, तो वहाँ पर को कॉपी पेन किताब आदि का दान आप कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। नियमित 16 शुक्रवार करें तो वही चमत्कारिक प्रतिफल आपको देखने में आएगा जो सफ़ेद गाय के दूध को शिवजी यानी शिवलिंग पे चढ़ाने पे आपको प्राप्त होएगा। और भी उपाय है, आपकी मर्जी पे निर्भर है, आप चाहे तो चैनल पे चले जाएं, बहुत अच्छे अच्छे उपाय देखने में आएंगे। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी शुक्र ग्रह से संबंधित, यदि आप लोगों को पसंद आई तो यदि कोई लक्षण स्वयं में देखने में आते हैं तो स्वयं पे अमल करना है, और उसके बाद आगे को भी आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नियमित जानकारी के नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने में आएंगे, जब भी जानकारी प्रसारित होगी तो आप तक पहुंच जाएगी। तो ध्यान रखें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।